हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में केमिस्ट्री गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल किन किन टॉपिक से बनते हैं वो सब इम्पोर्टेंट फॉर्मुलाज देखेंगे इसी वीडियो में, एंड सारे के सारे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एंड एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बन सकते हैं इसमें मैं बताऊंगा, आपने खुद से ट्राई करने हैं। और अगली वीडियो में मैं सुपरविजन बैच वाले बच्चों को खुद से सोल्व करवा देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं कि आपको पता होना चाहिए स्ट्रेंथ का। नहीं देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बनता है वो बनता है मोलैरिटी का, ठीक है। ये दो तीन टॉपिक होते हैं, एक होता है मोलैरिटी, एक होता है मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, एक होता है नॉर्मैलिटी, ठीक है। नॉर्मैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर होगा। यूनिट क्या बन जाएगी यहीं से इसकी, मोल्स पर लीटर इसकी यूनिट बनेगी, ठीक है। या फिर सिंपली कैपिटल एम लिखा जाता है, या फिर अगर कहीं पे मोलर भी लिखा जा रहा है इसका मतलब आप समझ जाना कि ये मोलैरिटी की ही बात हो रही है। और सिंपल न्यूमेरिकल के लिए कौन सा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, सिंपल न्यूमेरिकल के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी, कौन देगी भाई, विमला, क्लियर। जहां पे डब्ल्यू बी का मतलब है वेट ऑफ सोल्यूट, एम बी का मतलब है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एंड बी एम एल का मतलब है वॉल्यूम इन मिलीलीटर। आगे बढ़ते हैं, मोलैरिटी की बात करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज एन बी, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इज वेट ऑफ ए इन किलोग्राम देना आपने, ठीक है। तो यूनिट क्या बनेगी यहां से, मोल्स पर केजी, ठीक है। या फिर स्मॉल एम भी लिखा जाता है, या फिर मोलर भी लिख सकते हैं। और जब इसके न्यूमेरिकल करने लगोगे तो बहुत आसान फॉर्मूला क्या रहेगा, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से आएगी भाई, वॉशिंग टन से आएगी। डब्ल्यू बी का मतलब है वेट ऑफ सोल्यूट, एम बी का मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू ए मतलब वेट ऑफ सोल्वेंट इन ग्राम्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं नॉर्मैलिटी की तरफ। नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यूनिट क्या बनेगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर आपको ये याद नहीं रहते तो सिंपल एन लिख सकते हो आप यूनिट में, या फिर सिंपल नॉर्मल भी लिख सकते हो, एक ही बात बनेगी। अब इसके न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे आप लोग, वॉशिंग इंजन 1000 में देगी, कौन देगी भाई, विमला, वॉशिंग इंजन 1000 में देगी विमला। डब्ल्यू बी का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट, ई बी का मतलब है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, एंड बी एम एल का मतलब होता है वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ठीक है। अब आपको इक्विवेलेंट मास वैसे तो निकालना आना ही चाहिए, आपका भी होगा, 11th क्लास में किया होगा, और नहीं किया है तो चलो मैं बता रहा हूं, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट आपको एसिड का निकालना आ जाए तो फॉर्मूला बनेगा मोलर मास टू द एसिड की पहचान क्या होती है, किसमें खास बात होती है, एच, नंबर ऑफ एच। अगर बेस का कैलकुलेट करना आ जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा उसका, मोलर मास टू द नंबर ऑफ ओएच, क्लियर है। अच्छा, आपको कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जरूर से याद होना चाहिए, ठीक है। याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी एटॉमिक मास को, बकनो, बकनो मीन्स बोरोन कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बोरोन का एटॉमिक मास 10 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, इनमें 2-2 का गैप होता है भाई,
ठीक है। उसके बाद याद रखिए आलसी नहीं फनी है, आलसी नहीं फनी है। कौन है भाई आलसी नहीं फनी? प्यारे शर्मा, प्यारे शर्मा और कालीचरण। जब भी न्यूमेरिकल करोगे आपको ये तो याद ही रहनी चाहिए इनका मान। आलसी, आलसी बोले तो ए एल एस आई नहीं, एन ए एच ई फनी, एफ एन ई है। प्यारे शर्मा बोले तो पी एस और ए आर, कालीचरण के सी ए। देखो इनके जोड़े बनते हैं, आलसी का एक जोड़ा बनता है, फनी का एक जोड़ा बनता है, प्यारे शर्मा का एक जोड़ा बनता है, कालीचरण का एक जोड़ा बनता है। जोड़े से क्या फायदा होता है कि इनका एटॉमिक मास मिलता जुलता होता है। इसका एटॉमिक मास 27 होगा, इसका एटॉमिक मास 28, इसका एटॉमिक मास 19, इसका 20, इसका 31, इसका 32, इसका 39, इसका 40। आर्गन का भी 40 होता है, और जब दो एलिमेंट का एटॉमिक मास मिलता जुलता होता है तो उन्हें आइसोबार बोलते हैं। सोडियम का याद रहना चाहिए 23, हीलियम का 4 और हाइड्रोजन का 1 होता है। इसके अलावा जो पूछे जा सकते हैं, क्लोरीन का 35.5, आयरन का 56 होता है, कॉपर का 63.5, जिंक का 65 होता है। ठीक है, ये तो आपको जरूर याद होना चाहिए जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने को जाओगे तो। ठीक है, ओके। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि आपको मोलैरिटी गिवन है तो आप मोलैरिटी कैसे निकाल लोगे, या मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी कैसे निकाल लोगे? देखिए, अगर आपको कभी मोलैरिटी से मोलैरिटी निकालनी हो, मोलैरिटी निकालनी है किससे? मोलैरिटी से। तो फॉर्मूला रहेगा इसका एम डी, मतलब पता है ना मोलैरिटी डी, ठीक है, 1 प्लस ये रहेगा भाई इसका फॉर्मूला। इस स्मॉल एम का मतलब मोलैरिटी, आपको पता है डी डेंसिटी गिवन होगी, 1 प्लस एम मोलैरिटी एम डी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000, क्लियर है? अच्छा, अगर आपको कभी ऐसा है कि नॉर्मैलिटी कैलकुलेट करनी है और आपको गिवन है उसकी मोलैरिटी, तो सिंपली क्या होगा, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहता है भाई, एसिड के केस में आप लोग ऐसे एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे आप उसे। एन फैक्टर समझते हो ना भाई, एसिड है तो कितने एच है, बेस है तो कितने OH है। तो इस तरह से आप नॉर्मैलिटी निकाल सकते हो अगर आपको मोलैरिटी दे रखी है, और मोलैरिटी भी निकाल सकते हो अगर नॉर्मैलिटी आपने कैलकुलेट कर ली है अपॉन में एन को ले जाना। ठीक है, इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे फॉर्मूलाज रहते हैं, जैसे मैं बात करता हूं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। फॉर्मूला क्या रहता है एन, जैसे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ए की कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगली बात बताऊं तो ये यूनिटलेस है, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, जेई में तो बना भी हुआ, इसकी यूनिट नहीं होती। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का ही भाई होता है, तो आपका जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं ना सारा दिन तो कुछ निकलने लग जाता है मुझे, इसको भी हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मास फ्रैक्शन आपको मान लो कैलकुलेट करनी है ए की, तो फ्रैक्शन क्या होता है, मास ऑफ ए टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। बात क्लियर होती है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी तरह से मास परसेंटेज होता है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या रहेगा, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट जिसकी मास परसेंटेज निकालनी है टू द मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकाल लेंगे इनटू में क्या देगा 100। ऐसे ही आप लोग क्या भी कैलकुलेट कर सकते हो, वॉल्यूम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या फॉर्मूला रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में क्या आएगा 100। एक और टॉपिक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन इज पीपीएम। ठीक है,
तो उसमें क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन, और जब भी परसेंटेज निकालते हैं इंटू में क्या, परसेंटेज नहीं निकालना, मिलियन निकालना ना, तो इंटू में पर मिलियन कर दोगे, परसेंटेज में परसेंट कर देते, परसेंट मतलब 100, पर मिलियन मतलब मिलियन से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला टॉपिक हमारा बनता है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हेनरी लॉ का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू के एच एक्स बी। ये क्या है, हेनरी लॉ। आगे बढ़ते हैं, अभी आप मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेजे तो मैंने के एच के बारे में इंपॉर्टेंट बोला, के एच से क्वेश्चन बन जाता है। वेपर प्रेशर की बात करें, वेपर प्रेशर के बारे में किसने बोला, राउल्स भाई साहब ने बोला, राउल्स लॉ था। राउल्स लॉ क्या था, दैट पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब राउल्स लॉ के दो केस थे, कौन कौन से, एक था फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट और एक था भाई फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना। वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं, जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा सॉल्यूट की वजह से भी एंड सॉल्वेंट की वजह से भी, और नॉन वोलेटाइल में क्या होता है, जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से। मतलब ऐसे मान लो वोलेटाइल सॉल्यूट जिसमें आपने सॉल्यूट को मानना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसमें आपने सॉल्यूट को नहीं मानना, ठीक है। पीबी का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और पी ए का फॉर्मूला पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और इसमें क्या रहेगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद क्या आया था, इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई थी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहले थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे होती है, पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, ठीक है। इसके बाद थी भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीबी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी। अच्छा प्लीज जब आप नोट्स बनाओगे ना तो लिख लेना, एक पेज भरेगा आपका हाथ से दो साइड से। डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्लियर। अगला फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम, के बी यहाँ पे मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट एंड एम का मतलब है मोरालिटी। अगला फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी, और मोरालिटी का फॉर्मूला अभी बताया, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से आएगी भाई, वॉशिंगटन से आएगी, ठीक है। इसके बाद आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्या रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी एफ। फॉर्मूला क्या रहता है डेल्टा टी एफ का, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ रहेगा, और डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या बनता है, डेल्टा टी एफ इजल टू के एफ एम, और डेल्टा टी एफ इजल टू के एफ एम। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से आएगी भाई, वॉशिंगटन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से या पाई से, पाई का फॉर्मूला क्या रहेगा, सी आर टी, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सी कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन मोलैरिटी कह सकते हो, आर गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर, ठीक है। पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम हो सकता है, इंटू में आर इंटू में टी, ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्लियर है। इससे आगे था, इसके आगे आता है भाई वेंट हॉफ फैक्टर,
वेंट होप फैक्टर इंपॉर्टेंट बनता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। मैं बोलू वेंट होप फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आई फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू द नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, क्लियर है। अब आई की वैल्यू 3 आ सकती है, आई की वैल्यू 1 आ सकती है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ सकती है, आई की वैल्यू लोअर देन 1 आ सकती है। समझ के चलना मेरी बात को। अगर आई की वैल्यू इक्वल टू 1 है, इट मीन्स वहां पे कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हुई है, नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन वहां पे नहीं हुई। अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई है, इट मीन्स वहां पे डिसोसिएशन हुई है, सब्सटेंस टूटे हैं वहां पे। और अगर लोअर देन 1 है, इट मीन्स वहां पे क्या हुई है भाई, एसोसिएशन हुई है, क्लियर। अगली चीज आपको क्या करनी पड़ती है, इसमें याद रखना है, आपको कैलकुलेट करनी आ सकती है डिग्री ऑफ, अब देखो आपको कैलकुलेट करना आ जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। बहुत आसान होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना। अच्छा ये तो पता होगा ना, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो फॉर्मूला क्या रहता है, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आई माइनस 1 टू द एन माइनस 1। आई मतलब यहां पे वेंट होप फैक्टर है और एन मतलब कितने पार्टिकल्स बने हैं यहां पे। अच्छा आपको कैलकुलेट करना आ सकता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बहुत आसान है, जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा आपको ये। तो आई की वैल्यू क्या रहेगी, लोअर देन 1 रहेगी। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या रहेगा, अब की बार 1 माइनस अल्फा टू द 1 माइनस 1 बाय एन, ये फॉर्मूला रहेगा भाई, कुछ भी गलती नहीं है। अच्छा अब वेंट होप फैक्टर आने से इन पे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये क्या जाता है, अगर अब वेंट होप फैक्टर के अकॉर्डिंग करोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, तो ये इंटू में आई लग जाता है बस, ठीक है, इंटू में आई कर देगा। आज हमने जब कंसेप्ट की वीडियो देखी थी सॉल्यूशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हम बार बार कह रहे थे कि 1 मोलर KCl है, 1 मोलर MgCl2 है, वो एक्चुअल में आयंस ज्यादा बन जाते हैं क्योंकि आई मल्टीप्लाई में है। चलो जब न्यूमेरिकल करेंगे बहुत आसान लगेगा, बाकी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अभी जिन पे क्रॉस लगा हुआ है ना, वो मतलब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो सारे के सारे अपने बहुत अच्छे से ट्राई कर लेने हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में।